बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल वीएस इंजीनियरिंग में। जैसे कि आज के इंट्रो देख के समझ गए हो कि आज के वीडियो में हम आपको क्या दिखाने वाले हैं। आज के इस वीडियो में हम फोल्डिंग स्लाइडिंग बना के दिखाएंगे, जो कि चार रोड का फोल्डिंग स्लाइडिंग होगा। YouTube पे पहली बार फुल डिटेल वीडियो आया है, जो तो इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जो देखें नए कार्पेंटर भाई लोग जरूर इसको देखें। इससे होगा कि आपको आराम से पूरा अच्छे तरीके से समझ में, इसमें हमने पूरा स्टेप बाय स्टेप बना के समझाया है। अगर इस चैनल पर पहली बार विजिट किया चैनल को सब्सक्राइब कर लिया, बेल आइकन को जरूर क्लिक कीजिए, इससे होगा ये आने वाले हर वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंचेगा। तो दोस्तों बिना देरी के वीडियो का तो दोस्तों सबसे पहले इसका मेजरमेंट लेंगे। इसके लंबाई और चौड़ाई की बात कर ले दोस्तों, इसका लंबाई जो है 140 इंच है, इसका हाइट जो है दोस्तों 105 इंच है। और जो हम मेजरमेंट ले रहे हैं दोस्तों, इस किस लिए ले रहे हैं, यहाँ पे हमको 3 इंच का पहले पट्टी कटिंग करना है। पट्टी कटिंग करके उससे होगा ये कि नीचे का जो हमारा चैनल फिटिंग करना है उसका हम मार्किंग मारेंगे, और उसको बाद में वही पट्टी वहाँ उस जगह पर हम फिट कर देंगे दोस्तों, जहाँ पर हम मेजरमेंट ले रहे हैं। तो दोस्तों देखिए कुछ प्रकार से एक तरफ का हमारा मेजरमेंट हो गया, दूसरे तरफ का मेजरमेंट हो जा रहा है। तो दोस्तों वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिएगा, आपको पूरा समझ में आएगा। तो दोस्तों ये हमारा मेजरमेंट का काम ख़त्म होता है। तो देखिए दोस्तों हमने पहले से 3 इंच का पट्टी कटिंग करके रखा था। पट्टी इसलिए कटिंग करके रखा था दोस्तों, वीडियो बहुत लंबा हो जा रहा था, इसलिए हमने पहले से कटिंग करके रख लिया। देखिए कुछ इस प्रकार से इसको खीला और फेविकोल की मदद से इसको फिक्स कर लेंगे। तो दोस्तों वीडियो में बने रहिए लास्ट तक, आपको पूरा डिटेल समझ में आ जाएगा किस प्रकार से फोल्डिंग स्लाइडिंग बनाया जाता है। तो देखिए किस प्रकार से इसको भी कट कर लेंगे दोस्तों। ये हमारा कटिंग हो गया दोस्तों, इसको भी फेविकोल और केला की मदद से इसको फिक्स कर लेंगे। उसके बाद देखिए दोस्तों हमने पहले से 4 इंच को छोटा रखा, छोटा इसलिए रखा दोस्तों, यहाँ पे हमारा जहाँ ये फिक्स होगा वहाँ इस कटिंग है, इस कटिंग के लिए हमने इसको 4 इंच पहले से छोटा कर लिया, क्योंकि उससे होगा ये हमको खांचा नहीं कटिंग करना पड़ेगा और इसको ईजिली हम फिक्स कर सकते हैं। देखिए दोस्तों ये भी हमारा यहाँ कंप्लीट हो रहा है। उसके बाद हम इसको ऊपर जहाँ हमारा जो चैनल आएगा, चैनल से इसको पट्टी लेवल पकड़ के हम लंबा गिरा लेंगे दोस्तों। इससे होगा ये नीचे का जो मार्किंग है हम उसको मार पाएंगे, और वो लंबा करना ना बोले दोस्तों, कहीं भी अगर कुछ भी काम कर रहे हैं हमारे प्लाईवुड में तो आप ध्यान रखिएगा, लंबा का जरूर प्रयोग कीजिएगा। इससे होगा ये आपका जो भी काम रहेगा परफेक्ट होगा। तो देखिए कुछ इस प्रकार से दोस्तों हम नीचे का मार्किंग मार ले रहे हैं, ये इस तरफ का मार्किंग हो गया दोस्तों। इसी मार्किंग के सहारे दोस्तों हम नीचे का जो चैनल है उसका ग्रू कटिंग करेंगे। अभी आगे वीडियो में हम आपको बताएंगे दोस्तों कैसे कटिंग करना है। देखिए कुछ इस प्रकार से इधर भी हम लंबा चेक कर ले रहे हैं दोस्तों, और लंबा चेक करने के बाद ऊपर हम इसका मार्किंग मार ले रहे हैं, नीचे भी इसका मार्किंग मार लेंगे दोस्तों। इसके बीचों बीच हमारा चैनल आएगा दोस्तों। चैनल देखिए कुछ इस प्रकार से हमारा 1 इंची 1 सूत का है, क्योंकि देख पा रहे हैं दोस्तों यहाँ पर हमने पहले से मार्किंग मार के रखा है। जो हमारा 3 इंच का पट्टी है उसी के बीच में हमारा 1 इंच 1 सूत का जो चैनल है वो आएगा दोस्तों। तो देखिए इस प्रकार से हम लाइन डोरी की मदद से उस मार्किंग पे पकड़ के इसको मार्किंग कर लेंगे दोस्तों। तो इस तरफ भी एक बार चेक कर ले रहे हैं दोस्तों, देखिए कुछ इस प्रकार से इधर भी पकड़ लेंगे। पकड़ने के बाद दोस्तों मार्किंग मरवा लेंगे हम, इधर देखिए मारने को बोल दिए हैं। एक बात का ध्यान जरूर रखिएगा दोस्तों, देखिए जो हमने कटिंग करवा रहे हैं ये टाइल्स वाले से कभी भी कटिंग करवाइएगा दोस्तों। इससे होगा ये कि टाइल्स वाला अगर कटिंग करेगा तो उसको एक्सपीरियंस है तो बराबर से कटिंग करेगा टाइल। अगर हम खुद कटिंग करने की कोशिश करेंगे तो इससे होगा ये दोस्तों, अगर कुछ भी इधर उधर हो गया तो टाइल भी हमारा ख़राब हो जाएगा। दूसरा दोस्तों ये है कि हमारा जो ट्रैक है ट्रैक भी बराबर से नहीं बैठेगा। तो दोस्तों ये गलती मत कीजिएगा। तो देखिए दोस्तों कुछ इस प्रकार से ये भी कटिंग हो जा रहा है, देखिए दोस्तों कुछ इस प्रकार से कटिंग हो गया। इसके बाद हम इसको हथौड़ी और छीनी की मदद से इसको साफ करवा लेंगे, देखिए कुछ इस प्रकार से। देखिए दोस्तों कुछ इस प्रकार से हमारे पूरा कंप्लीट हो गया है, जिसमें हमारा ट्रैक आएगा। नीचे की तरफ देख पा रहे हैं दोस्तों, इसमें हमने ग्रेनाइट लगवाया। ग्रेनाइट लगवाने का कारण ये है दोस्तों कि जो कि हमारा चैनल है, चैनल पे जब वेट पड़ेगा तो वेट पड़ने पे डाउन ना हो जाए, इसलिए हमने पहले से इसके नीचे ग्रेनाइट लगवा लिया दोस्तों। कुछ इस प्रकार से आप भी अगर कर रहे हैं तो इसको लगवाना ना भूलें। ऊपर का चैनल यहाँ पर फिटिंग हो गया दोस्तों, देख पा रहे हैं। अब चलिए दोस्तों हम अपना फिटिंग की तरफ ज़रा एक बार देख ले रहे हैं क्या है कैसा है। तो देखिए हमारे पास दोस्तों CNR कंपनी का ये फिटिंग है, जिसको हम व्हील बोल सकते हैं। तो देख पा रहे हैं दोस्तों ये रेड वाला जो है ये ऊपर की तरफ जो चैनल आएगा उसमें आएगा, और ये वाला जो दोस्तों नीचे का चैनल है जो उसमें आएगा, देख पा रहे हैं कुछ इस प्रकार से। ये ऊपर वाला चैनल में चला जाएगा रेड वाला, देख पा रहे हैं दोस्तों, ये वाला नीचे के चैनल में आ जाएगा। तो कुछ इस प्रकार से ये ऊपर नीचे का फिटिंग हो गया दोस्तों। ये है हमारा इंजिस, ये इंजिस कहाँ पर लगेगा दोस्तों, ये हमारा
डोर के बीच में लगेगा दोस्तों, पूरा हम आपको डिटेल के साथ बताएंगे दोस्तों, वीडियो पर जरूर बने रहिए। देखिए कुछ इस प्रकार से हमारा दूसरे डोर का फिटिंग है दोस्तों। जेड वाला जो है हमारे ऊपर के ट्रैक में जाएगा दोस्तों, और नीचे वाला जो है हमारा वो नीचे वाला ट्रैक में जाएगा दोस्तों। देखिए कुछ प्रकार से हम इसको भी साइड कर दे रहे हैं दोस्तों। सबसे पहला दोस्तों ये है जो हमारा मेन है, मेन फिटिंग इसको बोल सकते हैं, जो हमारा फर्स्ट वाले डोर से स्टार्टिंग हो, जो कि इसी डोर में पूरा हमारा डोर कनेक्ट रहेगा। तो कुछ इस प्रकार से इसको देख पा रहेंगे दोस्तों, हम पहले इसको स्क्रू से लूज कर देंगे, लूज करके इसको हम चैनल के अंदर डाल के दिखाएंगे दोस्तों, तो वीडियो पे बने रहिए। देखिए कुछ इस प्रकार से इसको हम अंदर डाल देंगे दोस्तों, देख पा रहे होंगे, थोड़ा सा इसको स्क्रू लूज कर ले रहे दोस्तों। देखिए कुछ इस प्रकार से हमारे अंदर चला जाएगा दोस्तों। एक बात का जरूर ध्यान दीजिए दीजिएगा दोस्तों कि जो चैनल हमारा चैनल के लेवल से इसको फिटिंग कीजिएगा, और उसके बाद इसको स्क्रू जो है वो टाइट कर देंगे, तो हमारा ये पूरा एक ही जगह पे फिट हो जाएगा, इधर उधर नहीं जाएगा दोस्तों। कुछ इस प्रकार से हमारा देखिए नीचे वाला जो ट्रैक है दोस्तों, कुछ इस प्रकार से है नीचे वाला ट्रैक में दोस्तों, इसमें थ्रेड रहता है, थ्रेड में हम अभी देखिए कुछ इस प्रकार से घुसा देंगे। इसको घुसाने के बाद दोस्तों ये किधर भी नहीं जाएगा, आगे पीछे नहीं जाएगा। देखिए कुछ इस प्रकार से हमने घुसा दिया है, देख पा रहे होंगे दोस्तों। अभी हम पूरा फिटिंग करके दोस्तों बताएंगे स्टेप बाय स्टेप, वीडियो पे बने रहिए दोस्तों। देखिए कुछ इस प्रकार से है ये भी, देख पा रहे होंगे दोस्तों। अब इसको हम दोस्तों पूरा साइड में रख दे रहे हैं, इसके बाद हम पहले चैनल कटिंग कर लेंगे। चैनल कटिंग करने के लिए दोस्तों हम सबसे पहले मेजरमेंट ले रहे हैं, देख पा रहे हैं कुछ इस प्रकार से, देख पा रहे होंगे दोस्तों हमने मेजरमेंट ले लिया है। अब इसको पहले नीचे वाला कटिंग कर लेंगे दोस्तों। और इस चैनल का साइज़ के बारे में बात कर ले दोस्तों, इसका जो चैनल है नीचे वाला वो एक इंच एक सूत बाई एक इंच एक सूत का है दोस्तों, देख पा रहे हैं कुछ इस प्रकार से हम इसको कटिंग कर ले रहे हैं। कटिंग करके एक बार इसको डाल के चेक कर लेंगे दोस्तों, लेबल आ रहा है नहीं आ रहा है। वैसे दोस्तों ये लेबल ही आ गया, क्योंकि उसी प्रकार से हमने इसको कटिंग करवा के नीचे का जो ग्रेनाइट लगवाया है उसको देख कर ही लगवाया है दोस्तों। तो आप भी कुछ इस प्रकार से इसको पूरा ध्यान से देख के लगवाइएगा दोस्तों। तो उसी प्रकार से देखिए दोस्तों, हमने ऊपर नीचे का कटिंग कर लिया, उसके बाद हम ऊपर का कटिंग कर लेंगे। ये हमारा ऊपर का कटिंग हो जा रहा है दोस्तों। इसके बाद दोस्तों हम इसको इसमें पूरा व्हील डाल के हम आपको दिखाएंगे दोस्तों। देखिए कुछ इस प्रकार से हमारा पहला वाला व्हील डल गया है, देख पा रहे होंगे। उसके बाद दोस्तों हम अपना दूसरा व्हील डाल देंगे, जो कि देख पा रहे होंगे कुछ इस प्रकार से है। अभी हम दोस्तों पूरा आपको फिटिंग करके बताएंगे कैसे कैसे फिट होता है दोस्तों, तो वीडियो पर ज़रूर बने रहिए दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, ये हमारा जो स्टार्टिंग में आएगा जिसके ऊपर पूरा हमारा डोर कनेक्ट होगा दोस्तों, तो इसको भी हम डाल दे रहे हैं कुछ इस प्रकार से, आप देख पा रहे होंगे दोस्तों। वीडियो में बने रहिए दोस्तों, आपको पूरा शुरू से लेकर लास्ट तक आपको एक एक चीज़ समझ में आ जाएगा दोस्तों, कैसे करना है, कैसे क्या करना है स्टेप बाय स्टेप। तो दोस्तों इसको हम पहले थोड़ा सा इसको लूज कर लेंगे, लूज इसलिए कर रहे हैं दोस्तों, इससे होगा ये हम जब अभी ऊपर चैनल फिटिंग करेंगे तो स्क्रू मारने के टाइम में थोड़ा इधर उधर करना पड़ेगा, तो उसको फ्री रखेंगे दोस्तों। देखिए कुछ इस प्रकार से हमने आधा इंच का टुकड़ी ले लिया है, सामने की तरफ से हम इसको आधा इंच चैनल को अंदर रखेंगे। तो अंदर रखने के लिए दोस्तों हमने पहले से टुकड़ी कटिंग करके रख लिया है, तो टुकड़ी को सामने से लेबल रख लेंगे दोस्तों, लेबल करके इसको फिक्स करेंगे, दिखा दे रहे हैं आपको कुछ इस प्रकार से, देख पाएंगे। देखिए कुछ इस प्रकार से इसको लेवल पकड़ लेना है। पकड़ने का दोस्तों इसमें जो स्क्रू हम यूज़ कर रहे हैं दोस्तों, इसको पीटीए का स्क्रू यूज कर रहे हैं। जहाँ तक कोशिश कीजिएगा दोस्तों पीटीए स्क्रू यूज करने के लिए, क्योंकि हमारा पूरा का पूरा वेट जो है दोस्तों उसी ऊपर वाले चैनल पर आएगा। तो देखिए कुछ इस प्रकार से हम इसको वेट भी चेक कर ले रहे हैं दोस्तों। ये सब हमारा काम हो गया, उसके बाद हम डोर का काम शुरू करेंगे दोस्तों। सबसे पहले इसका डोर का मेजरमेंट ले लेंगे दोस्तों। जो हमारा डोर का हाइट है दोस्तों 101 इंच है। एक बार लंबाई का भी मेजरमेंट लेंगे दोस्तों, उसके पहले दोस्तों इधर का भी मेजरमेंट ले ले रहे हैं। आप कभी भी मेजरमेंट लेंगे दोस्तों तो एक बात का ध्यान रखिएगा, दोनों तरफ हाइट चेक कर लीजिएगा, नीचे ऊपर पूरा विड्थ चेक कर लीजिएगा, उसी के हिसाब से आप मेजरमेंट को, या डोर बना रहे हैं, बॉक्स बना रहे हैं, या कुछ भी बना रहे हैं, तो आपको चारों तरफ मेजरमेंट देखना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। तो देखिए कुछ प्रकार के हमारा ये नीचे का मेजरमेंट ले रहे हैं दोस्तों, उसके बाद हम ऊपर का भी मेजरमेंट ले लेंगे दोस्तों। देखिए कुछ प्रकार से ये देख पा रहे हैं दोस्तों,
ये हमारा मेजरमेंट का जो है काम ख़त्म होगा दोस्तों। उसके बाद हम क्या करेंगे, हम 3 इंच का पट्टी कटिंग करेंगे दोस्तों। इसी पट्टी की मदद से हम पूरा डोर बनाने वाले हैं। देखिए कुछ इस प्रकार से हम इसको पट्टी कटिंग कर लेंगे दोस्तों। हम पट्टी क्यों कटिंग कर रहे हैं दोस्तों, अब हम आपको बता दे रहे हैं। पट्टी इसलिए कटिंग कर रहे हैं दोस्तों, हम जो हमारा स्लाइडिंग डोर है उसको हम पार्टीशन भी यूज करना चाह रहे हैं और उसको डोर भी यूज करना चाह रहे हैं। उससे होगा ये दोस्तों कि अगर हमारा स्लाइडिंग बना रहेगा तो स्लाइडिंग से होगा ये कि मतलब हम कभी आपको ज़रूरत पड़ा तो हम उसको फोल्ड करके एक जगह लगा सकते हैं, हमारा पूरा हाल फ्री हो जाएगा। तो इसलिए दोस्तों हम इस प्रकार से बना रहे हैं, हमारा पार्टीशन का डिज़ाइन भी बना रहा है और हमारा स्पेस भी अगर ज़रूरत पड़े तो उसको हम यूज कर सकते हैं दोस्तों। देखिए कुछ इस प्रकार से हमारा ये है ऊपर नीचे का। सबसे पहले दोस्तों हम पट्टी कटिंग कर लेंगे जिसमें हमारा राफ्टर फिट होगा, देख पा रहे हैं कुछ इस प्रकार से हम राफ्टर के लिए मार्किंग मार देंगे दोस्तों। हम जो हमारा जो राफ्टर है दोस्तों 2 इंच बाय 1.5 इंच का है जो हमने डबल करके बनाया है दोस्तों, अभी आपको दिखाएंगे। ये देख पा रहे होंगे 2 इंच गैप देख के 1.5 इंच का हम राफ्टर लगाएंगे दोस्तों। देखिए पहले इसको हम पूरा मार्किंग कर ले रहे हैं दोस्तों। देखिए कुछ इस प्रकार से एक बार फिर से आपको बता दें दोस्तों, 2 इंच गैप दे के 1.5 इंच का हमने राफ्टर फिटिंग किया है, मतलब इसमें फिटिंग करेंगे दोस्तों, सॉरी। देखिए कुछ इस प्रकार से हम मार्किंग मार ले रहे हैं दोस्तों। मार्किंग मारने के बाद दोस्तों हम इसमें नील्स लगाएंगे, तो वीडियो पर बने रहिए दोस्तों। देखिए कुछ इस प्रकार से हमने मार्किंग मार लिया। मार्किंग मारने के बाद दोस्तों हम जो हमारा राफ्टर आएगा, राफ्टर फिटिंग करने के लिए हम नेल्स इसमें लगा रहे हैं दोस्तों। इससे होगा कि हम नेल्स में टच करके राफ्टर में स्क्रू या खीला की मदद से इसको फिक्स कर सकते हैं। जहाँ तक कोशिश कीजिएगा दोस्तों आप स्क्रू फिटिंग करने के लिए। तो देखिए कुछ इस प्रकार से हम जिसमें मार्किंग मारे हैं दोस्तों नीचे और ऊपर, जो आप देख पा रहे हैं पट्टी है, ये पट्टी वही है जिसमें हमने राफ्टर फिटिंग किया दोस्तों। तो वीडियो को थोड़ा फास्ट कर लें दोस्तों, इसलिए फास्ट क्यों, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जा रहा था। तो देखिए कुछ इस प्रकार से इसमें हम फेविकोल लगा लेंगे दोस्तों, देख पा रहे होंगे फेविकोल थोड़ा अच्छा से लगाएगा दोस्तों, इससे होगा ये मजबूत यही होगा। इसमें साइड साइड से भी लगा लेंगे दोस्तों। देखिए कुछ इस प्रकार से ये हमारा अंदर ऐसे डाल देना है दोस्तों। डालने के बाद इसको दोस्तों हम फ्री होल बिट से होल मार लेंगे, देख पा रहे हैं दोस्तों कुछ इस प्रकार से हम फ्री होल बिट से होल मार ले रहे हैं दोस्तों। सबसे पहले इसको कभी भी दोस्तों फ्री होल बिट से होल मार के ही स्क्रू लगाइए, इससे होगा ये दोस्तों कि आपका स्क्रू जो है पूरा अंदर तक तक जाएगा दोस्तों। इसके बाद हम दोस्तों इसको थोड़ा कोटेशन कर लेंगे, कोटेशन करना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। इससे होगा ये कि आपका जो स्क्रू का हेड है वो अंदर तक चला जाएगा दोस्तों। ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट इसको स्क्रू मार देते हैं, इसका हेड जो है बाहर ही रह जाता है, इसका मत्था जिसको बोल सकते हैं दोस्तों, तो उसको ग्लेंडर मार के उसको कट कर देते हैं, इससे मजबूती नहीं रहता दोस्तों। कुछ इस प्रकार से आप कोटेशन करके ही स्क्रू उसको अंदर तक मारिए, ताकि हमको या लैमिनेट हो या MDF या कुछ भी लगाना, उसको इजीली आप लगा सकते हैं दोस्तों। कुछ इस प्रकार से हमारा पहला वाला डोर देख पा रहे होंगे फिटिंग करना शुरू कर दिए हैं। तो दोस्तों देख पा रहे होंगे दो डोर हमारा फिट हो चुका है, इसके लिए माफ़ी चाहूँगा दोस्तों। हमारा जो फ़ोन रिकॉर्डिंग पे रखे थे दोस्तों, किसी का फ़ोन आने की वजह से रिकॉर्ड नहीं हो पाया उधर का वीडियो दोस्तों। तो देखिए दोस्तों कुछ इस प्रकार से हमारा तीसरा वाला डोर है, सेम प्रोसेस यही रहेगा दोस्तों जो हम आपको दिखा रहे हैं, उसी प्रकार से हमने पहला वाला भी वीडियो जो डोर है वो दोस्तों वो भी फिटिंग किए हैं। तो सबसे पहले दोस्तों देखिए नीचे आधा इंच का प्लाई उसको रख लेना है, इससे होगा ये दोस्तों कि कभी भी अगर वेट ज़्यादा है डोर, इन फ्यूचर कभी अगर वेट के वजह से नीचे आएगा तो टच होने में बहुत टाइम लगेगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, आपका जो डोर है दोस्तों एकदम फ्री चलेगा। कुछ इस प्रकार से देख पा रहे हैं स्क्रू की मदद से ऊपर का जो हम है फिटिंग कर ले रहे हैं स्क्रू, सेम इसी प्रकार से दोस्तों वो सब पूरा दोनों जो डोर है आगे का वो भी इसी प्रकार से फिटिंग किया हुआ है। तो देख पा रहे दोस्तों कुछ इस बार आप देख लेंगे तो उसको भी आप कर लेंगे इजीली, कोई दिक्कत नहीं रहेगा दोस्तों। तो देखिए कुछ इस प्रकार से हमारा ऊपर का हो गया दोस्तों। उसके बाद हम क्या करेंगे, नीचे का जो हमारा इस इंजिस है उसको भी फिटिंग कर लेंगे, इसको इंजिस भी बोल सकते हैं दोस्तों। देखिए कुछ इस प्रकार से है, नीचे भी स्क्रू की मदद से इसको फिक्स कर लेंगे, देख पा रहे होंगे। तो देखिए कुछ इस प्रकार से हमारा ये 3 डोर रेडी हो गया है दोस्तों। उसके बाद हम इसको नीचे का जो है निकाल के पट्टी इसको एक बार चेक कर लेंगे दोस्तों। देखिए कुछ इस प्रकार से हमारा मोबाइल हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो पूरा परफेक्ट सर पूरा परफेक्ट से हो रहा है दोस्तों। देखिए कुछ इस प्रकार से हमारा 3 डोर रेडी हो चुका है। उसके बाद दोस्तों हमारा चौथा वाला डोर है, उसको भी हम लगाने के लिए सबसे पहले इसका नीचे से मार्किंग मार लेंगे दोस्तों, जो कि हमारा नीचे से 5 इंच छोड़ के
हम इसको मार्किंग मारेंगे दोस्तों इंजिस लगाने के लिए। यहाँ पे दोस्तों इंजिस ही लगेगा। तो दोस्तों नीचे से हमने 5 इंच ऊपर करके मार्किंग मार लिया है, वहाँ पे हम इंजिस फिटिंग करेंगे दोस्तों। तो इस वीडियो पर दोस्तों लास्ट तक जरूर बने रहिए, आपको पूरा समझ में आ जाएगा। देख पा रहेंगे दोस्तों कुछ इस प्रकार से इसको हम स्क्रू की मदद से फिक्स कर देंगे। इसी प्रकार का वीडियो देखने के लिए दोस्तों हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए कुछ इस प्रकार से हमारे नीचे का हो गया दोस्तों, उसके बाद हम ऊपर का भी फिटिंग कर लेंगे दोस्तों इंजिस। तो देख पा रहे हैं दोस्तों ऊपर से भी हम सेम मार्किंग मारेंगे दोस्तों 5 इंच, 5 इंच के नीचे हमारा जो इंजिस है वो फिटिंग होगा दोस्तों। तो देखिए कुछ इस प्रकार से इसको भी इंजिस और इंजिस को स्क्रू की मदद से फिक्स कर लेंगे। देख पा रहे हैं कुछ इस प्रकार से। तो दोस्तों सेम यही प्रोसेस से आगे का जो दो डोर हमने फिक्स किया है ऐसे ही फिक्स किया है, सेम यही प्रोसेस वो भी है। तो उसको भी आप इसको अगर देख लेंगे ध्यान से तो भी फिक्स कर सकते हैं। तो दोस्तों हमारा बीच वाला है, बीच वाला भी इंजिस हम लगा देंगे। देखिए कुछ इस प्रकार से हम मार्किंग मार दे रहे हैं दोस्तों, अब इसको भी स्क्रू की मदद से फिक्स कर लेंगे। देख पा रहे हैं कुछ इस प्रकार से ये हमारा ये भी इंजिस बन चुका है दोस्तों। हम इसका बाकी का स्क्रू दोस्तों बाद में मार लेंगे, वीडियो बहुत थोड़ा लंबा हो जा रहा था। तो इसके बाद दोस्तों हमारा चौथा डोर जो लास्ट वाला डोर है इसको भी हम फिक्स कर लेंगे। नीचे आधा इंच का प्लाई हमने डाल दिया है, तो देख पा रहे होंगे दोस्तों कुछ इस प्रकार से इसको भी हम लेके जाकर उधर फिक्स करेंगे। तो दोस्तों वीडियो पे बने रहिए। देख पा रहे होंगे दोस्तों हमने नीचे प्लाई रख दिया है, उसके बाद हम अपना डोर लगा लेंगे दोस्तों। डोर को कुछ इस प्रकार से हम सीधा कर लेंगे। सीधा करने के बाद दोस्तों सबसे पहले हम ऊपर का स्क्रू फिक्स करेंगे। देख पा रहे हैं कुछ इस प्रकार से हमने इसको फिक्स कर देना है। ये हमारा हो जा रहा है दोस्तों, देख पा रहे हैं दोस्तों। उसके बाद हम नीचे वाला भी फिक्स कर देंगे कुछ इस प्रकार के स्क्रू की मदद से दोस्तों। दोस्तों वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले, क्योंकि बहुत मेहनत लगता है दोस्तों इसको बनाने के लिए। तो दोस्तों देखिए कुछ इस प्रकार से हमने इसको भी फिक्स कर दिया। तो एक बार हम इसको चेक कर लेंगे दोस्तों कि हमारा ये जो डोर है पूरा बराबर बंद हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो नीचे का प्लाई जो है उसको हम निकाल लेंगे दोस्तों, निकाल के एक बार चेक करेंगे। तो देखिए दोस्तों हमारा ये बराबर पूरा आ गया है। उसके बाद दोस्तों हम ऊपर वाला जो लास्ट वाले डोर का ऊपर वाला फिटिंग है उसको भी हम स्क्रू की मदद से फिक्स कर लेंगे। देख पा रहे हैं कुछ इस प्रकार से वो कॉर्नर में फिक्स होगा दोस्तों। इसमें आपको कुछ करना नहीं है दोस्तों, एकदम आराम से आप अगर वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक देखे होंगे तो ईजिली आप फिट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। तो देखिए कुछ इस प्रकार से हमारा ऊपर का हो गया, हम इसको थोड़ा पीछे कर लेना है दोस्तों कुछ इस प्रकार से। देख पा रहेंगे दोस्तों इसमें जो इंजिस दिख रहा है ना, इंजिस यहीं पे लगने के लिए उसमें दिया था दोस्तों, तो हमने यहीं पे इंजिस लगाया है। देखिए कुछ इस प्रकार से वो बैंड होगा। तो देखिए दोस्तों ऊपर का हमने फिट कर लिया, उसके बाद हम नीचे का भी इंजिस फिट कर ले रहे हैं जो कि हमारे ट्रैक के अंदर, उसको देखिए इसी प्रकार से हम आगे का जो डोर है ना सेम इसी प्रकार से अंदर जो इसका व्हील है अंदर ट्रैक के अंदर डाल के इसको फिट कर देना, सेम ऐसे ही कर देना है दोस्तों। तो अगर आप यहाँ तक देख रहे हैं दोस्तों आपको पूरा इजीली समझ में आ गया होगा किस प्रकार से इसको लगाना है। तो देखिए दोस्तों किस प्रकार से हमने इसको नीचे वाला भी फिटिंग कर दिया है। तो एक बार इसको पूरा हम चेक कर लेंगे दोस्तों, बंद हो रहा है अच्छे से नहीं हो रहा है, एक बार इसको पूरा बराबर चेक कर लेंगे। तो देख पा रहेंगे दोस्तों ये हमारा दोस्तों पूरा रेडी हो गया है, इसमें खाली एक काम और बाकी है, इसमें MDF लगाना बाकी है अभी, जो कि MDF हम 2 दिन बाद लगाएंगे दोस्तों, क्योंकि अब इसका फेविकोल पूरा अच्छे तरीके से ड्राई नहीं हुआ होगा। तो ऊपर देख पा रहे हैं दोस्तों क्रॉस क्रॉस हमने पट्टी लगाई, क्यों लगाए दोस्तों, उसको लगाने का कारण यही है कि अभी हमारा जो डोर है दोस्तों राफ्टर में हमने बनाया है, अगर उसको अभी फेविकोल ड्राई नहीं हुआ अभी निकाल देंगे तो दोस्तों उसका डोर जो है वो क्रॉस होने का चांसेस ज़्यादा है। जब तक फेविकोल सूख नहीं जाता तब तक इसको हम इसी प्रकार से रखेंगे दोस्तों। इसी प्रकार का वीडियो देखने के लिए दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर। आशा करता हूँ दोस्तों आज का वीडियो देखकर आपको समझ में आ गया होगा किस तरह का फोल्डिंग स्लाइडिंग बनाया जाता है। अगर कुछ भी डाउट है नीचे कमेंट करके जरूर पूछे। अगर इसी प्रकार का आपको वीडियो देखना है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लिए। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।